प्रभात आप सबों को, नमिता का देवभूमि में नमस्कार। आज मैं आपको एक नए जगह पर नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ। वो नई चीज़ क्या है मैं बताऊँगी। आज हम रानीखेत के KRC वुलन यूनिट में आए हैं विज़िट करने के लिए, जहाँ की यहाँ की आर्मी की विडो लेडीज़ यहाँ पे वुलन निटिंग करती हैं सेंटर्स पे, और निटिंग करने के बाद फिर इनको इस यूनिट में रखा जाता है और सेल किया जाता है और उनके पैसे को इनको दिया जाता है। यहाँ प्योर वुल और हैंडमेड आपको वुलन्स मिलते हैं, जो कि यहाँ से विदेश भी भेजे जाते हैं। ये KRC वुलन सेंटर है, जहाँ पर कि फैक्ट्रीज से बन के आने के बाद सेल के लिए लगाई जाती हैं। जितनी भी यहाँ पर वुलन्स मिलेंगी आपको, सब हैंडमेड रहती हैं, जो कि यहाँ मोस्ट प्रोबली यहाँ की लोकल लेडीज़ों का और विडो लेडीज़, आर्मी विडो लेडीज़ का बनाया रहता है। ये पहले चर्च था और जाके आज के दिन में ये KRC वुलन सेंटर में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक और आश्रितों द्वारा निर्मित ऊनी शॉल, कुमाऊ नागा रेजिमेंट और स्काउट्स, ये तीनों ने मिलके इसको यहाँ स्टार्ट किया है। और ये आप व्यू देखिए, ये चर्च का, इसे 1978 में बनाया गया था और अब जाके इसको कन्वर्ट कर दिया गया है KRC वुलन यूनिट में। इस यूनिट का नाम है यूनिट 2। मैं आपको ये KRC यूनिट को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये चरखे चल रहे हैं, हैंडमेड पूरे प्योर वुल के यहाँ काम होते हैं। पहले धागों को बनाया जाता है और धागों को बनाए जाने के बाद इसको स्टिचिंग के लिए भेजा जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है, अलग अलग तरह के शॉल्स कोट्स बनते हैं। ये बिल्कुल यूनिक सेंटर है, जो कि आपको जनरली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें विडो लेडीज़ रहती हैं, आश्रित रहती हैं, जिनको वर्क घर में कुछ काम करने को नहीं रहता है, वो इस काम को करती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने में भी किस तरह से हाथ से काट के प्योर वुल को बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ के वुलन्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, पूरे विदेशों में भी इसको भेजा जाता है। आपको अपना इंटरव्यू देंगी, ये बताएंगी कि ये कब से काम कर रही हैं। कब से काम कर रही हैं मैम आप? मैं 30 साल हो गए सर। 30 साल? 33 साल, 33। हाँ गलत है, 30 और 3। और आपका नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम धर्मा है। धर्मा, हाँ। आपको कैसा लगता है ये काम करना? क्या करें मैडम, अब मजबूरी धरी है, जो बचपन से ही धरी, जो आयी भी बुढ़ापा भी धरी, मतलब बिता दी। हाँ, तो आपको, आप लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली है? हाँ, 8 महीने की ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो ये ट्रेनिंग आपको किसने दिया, कुमाऊँ वाले लिए दिया? हाँ, या कुमाऊँ रेजिमेंट ने दिया। हाँ, तो एक तरह से तो रेजिमेंट वालों ने आप लोगों के लिए अच्छा काम किया ये। हाँ, कि कम से कम घर में बैठ के फालतू वक्त तो नहीं बिता रही हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये थ्रेड्स के कलर निकल रहे हैं और इसका वीविंग मटेरियल्स, मैं आपको क्लोज से इसके वीविंग मटेरियल्स को दिखा रही हूँ। ये सब कोट्स और शॉल्स बन रहे हैं, ये देखिए, ये कुमाऊनी शॉल्स बन रहे हैं। और ये काफ़ी महंगी मिलती है और इतनी प्योर होती है कि आप इसको ओढ़ के 0 डिग्री में भी, बर्फों में भी काम कर सकते हैं। पहले आज जो इसकी केयर करो तो ये आदमी से भी ज़्यादा टिकता है ये कपड़ा। अच्छा, प्योर करके ना। हाँ हाँ। और हम आदि वालों के बच्चे थे। अच्छा, अनवरी ठीक है, थैंक यू धर्मा जी। हाँ ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं आपसे। हाँ, शुभकामनाएं नए वर्ष की आपको। KRC वुलन सेंटर का पूरा व्यूज़ देखिए, ये 1978 में बना था और ब्रिटिश डिज़ाइन से इसको बनाया गया है, ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था, बाद में इसे कुमाऊँ रेजिमेंट ने ले लिया। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसका शिलान्यास कब हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। पहले ये चर्च था, चर्च के बाद जब इसे लिया गया तब इसमें इस काम को शुरू किया गया। और ये पूरा आर्मी कैंपस है, चारों तरफ
चीड़ बांज के पेड़ हैं और काफ़ी बड़ा चर्च है। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है इसका, देखने से ही लगता है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में आ गए हैं। इसकी नक्काशी देख के आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। चारों तरफ पाइन के और क्रिसमस ट्री, ये बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री है, ये देखिए चारों तरफ पाइन के जंगलों से घिरा हुआ है। सैनिक सेंटर्स के नाम लगे हुए हैं यहाँ पे। ये पूरा रेजिमेंट एरिया है जहाँ पे कि सब कोई अपने अपने ड्यूटी में और अपने सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। यहीं पर ये KRC वुलन सेंटर है और ये इसका एंट्री है। ये पूरे जितने भी कैंपस में मकान बने हुए हैं सब कॉटेज स्टाइल्स में बने हुए हैं और इस ढंग से बनाया गया है स्लोपिंग रूफ के साथ कि बर्फ़बारी होने पे इनके बर्फ़ अपने आप गल के नीचे गिर जाते हैं। और इसमें दरवाज़ा भी देखिए कितना खूबसूरत लगा हुआ है, पूरा वही पुराने ज़माने का कंस्ट्रक्शन है और पूरे पुराने ज़माने के दरवाज़े लगे हुए हैं। और ये डेकोरेशंस भी बहुत अच्छे से किया गया है। सैंपल के तौर पे यहाँ पर एक चरखा लगाया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर हैंडमेड वुलन्स आप लोगों को मिलता है और इसके पूरे पैसे यहाँ के लोगों को जो महिलाएं काम करती हैं उनको दिया जाता है।